नमस्कार। मैं तो आज की 10 ताजा खबर के लिए तैयार है। शॉर्ट कट इंडिया न्यूज चैनल पर आज की पहली खबर, तबलीगी जमात पर बॉम्बे हाई कोर्ट का शानदार फैसला। तबलीगी जमात के खिलाफ हुई एफआईआर को किया रद्द और हाई कोर्ट ने कहा तबलीगी जमात को कुछ लोगों और मीडिया ने बनाया बलि का बकरा। आज की दूसरी खबर, सीएम योगी का तंज, कहा दिल्ली के सीएम को बोले नमूना, यूपी आकर पूछता है कि कोरोना पर आपने क्या किया। आज की तीसरी खबर, सीमा पार से घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने पंजाब से सटे बॉर्डर पर 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए। आज की चौथी खबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को 30 सितंबर तक फैसला सुनाने का दिया समय, बीजेपी के बड़े नेता आडवाणी, जोशी उमा भारती आरोपी। आज की पांचवी खबर, मेरठ में बीजेपी नेता सचिन गुप्ता पकड़ा गया, चला रहा था एक प्रिंटिंग प्रेस में एनसीईआरटी की किताबों की अवैध छपाई का काम, धड़ल्ले से चल रहा था, एसटीएफ ने मारा छापा। आज की छठी खबर, डिजिटल विलेज में 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां, 1000 दिन में 4.5 लाख गांवों की बदलेगी तस्वीर। आज की सातवीं खबर, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचने की पाकिस्तान की निंजा टेक्निक, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर के साथ तालिबान पर भी लगाए प्रतिबंध। आज की आठवीं खबर, अब बस से भी कर सकेंगे दिल्ली से लंदन का सफर, रास्ते में 18 देशों की सैर होगी मुफ्त। आज की नवी खबर, अक्षय की सूर्यवंशी और रणवीर की 83 होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज, नहीं हो रहा कोरोना खत्म। आज की दसवीं खबर, अर्दोगन का बड़ी घोषणा, तुर्की को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। नमस्कार, धन्यवाद।